अवैध तौर पर बिरोजा के कारोबार में जुटे हुए लोगों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। रात को नदौन में लगाए गए नाके के दौरान बिरोजा से भरे हुए ट्रक को पुलिस ने जब्त किया है। नाका पर ट्रक को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन ट्रक को भगाकर चालक आगे ले गया, जिसे कुछ ही दूरी पर पुलिस ने पकड़ लिया। डीएसपी हमीरपुर रेणु शर्मा ने बताया कि बिरोजा से भरे हुए 375 टीन को बरामद कर लिया है और दो लोगों को गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएसपी रेणु शर्मा ने कहा कि इस मामले में ऊना जिला से संबंधित दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और धारा 379 और 41 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि ट्रक के कागजात भी नहीं थे। उन्होंने बताया कि पुलिस के द्वारा आगामी दिनों में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। जी, रात को 3 बजे के आसपास पुलिस नदौन पुलिस का नाका कलूर में था और वहां पे एक ट्रक आया जिसको रोका गया, जब तो वो भाग गया। इसका पीछा करने पर पाया गया कि उसमें कुछ 375 पेटियां 375 टीन जो थे वो बिरोजे के थे। जब उनसे उसके कागजात मांगे गए तो उनके पास कागज भी नहीं थे, और क्योंकि वो रात को ट्रेवल कर रहे थे तो उनको अप्रीहेंड कर लिया गया है। इसमें दो लोगों को अरेस्ट किया है, नियामत अली ये है अम्बोटा के रहने वाले और मिस्टर निर्मल सिंह ये है पंजोआ के रहने वाले, दोनों डिस्ट्रिक्ट ऊना के रहने वाले हैं। उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और सेक्शन 379 और 4142 379 आईपीसी और 4142 फॉरेस्ट एक्ट में केस रजिस्टर कर दिया गया है। अगली इन्वेस्टिगेशन जारी है।